दावे के साथ कह सकता हूँ अगर इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी ने तैयार कर लिए तो इससे एक भी बाहर ऑब्जेक्टिव जाने वाला नहीं है आपके एग्जामिनेशन में, इसकी फुल गारंटी मैं देता हूँ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल HDCTC। तो जैसा कि आप सभी को जानते हैं IRPM ऑनर्स का एग्ज़ाम हो चुका है दोनों ही पेपर का, और साथ ही साथ अब जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट्स की बारी है। तो सबसे पहला जो आप सभी का सब्जेक्ट होगा वो RB हिंदी कंपलसरी का होगा, जो कि राष्ट्रभाषा हिंदी अनिवार्य के रूप में जाना जाता है BA BSc BCOM के एनुअल एग्जामिनेशंस में। मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि आरबी हिंदी का लाइव क्लास 2 दिन हुआ भी था, तो आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं आरबी हिंदी का जो है रेगुलर क्लास जो है अपलोड करूंगा, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, यानी कि लाइव क्लास ना होकर रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, जिससे आपको स्पष्ट दिखेगा भी और आपको समझ भी बढ़िया आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरबी हिंदी के पद्य खंड की पहला चैप्टर जिसका नाम वर्द्य वीणा वादरी है और जिसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो इसी के ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी के एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हैं 2008 से लेकर 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं इस चैप्टर से, वर्द्य वीणा वादरी चैप्टर से, उसी सब ऑब्जेक्टिव को हम लोग रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको पढ़ना वही चाहिए जो आपके एग्जामिनेशन में आपको लाभ दे, क्योंकि समय शेष है। इस वजह से अगर समय आपके पास पर्याप्त है तो आप पूरे सिलेबस को बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से वर्द्य वीणा वादिनी, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा एक लिखित कविता है, तो इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी बनते हैं वर्द्य वीणा वादिनी चैप्टर से मैंने सभी को लिख लिया है, अब एक एक करके इसके आंसर को और क्वेश्चंस को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, वर्द्य वीणा वादिनी किसके द्वारा रचित है? वर्द्य वीणा वादिनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। दूसरा प्रश्न, वर्द्य वीणा वादिनी कविता में किसकी वंदना है? तो माता सरस्वती अर्थात वीणा वादिनी की वंदना है, ठीक है। वर्द्य वीणा वादिनी कविता कहाँ से संग्रहित है? तो वर्द्य वीणा वादिनी कविता सरस्वती वंदना से संग्रहित है। चौथा नंबर प्रश्न, निराला किससे वरदान चाहते हैं? निराला वीणा वादिनी अर्थात माता सरस्वती से वरदान चाहते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न, कवि नव पर नव स्वर किसे देने को कहते हैं? कवि नव पर नव स्वर भारत को देने को कहते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन, निराला का जन्म कहाँ हुआ? निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले के महिषादल रियासत में हुआ था। महिषादल का जो है पुराना नाम था मेदिनीपुर का, ठीक है। इस प्रकार से इनका जन्म कब हुआ? 21 फरवरी 1899 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न, निराला प्रिय स्वतंत्र रव को कहाँ भरने की बात करते हैं? निराला प्रिय स्वतंत्र रव को भारतीयों के हृदय में भरने की बात करते हैं। निराला का जन्म कब हुआ? 21 फरवरी 1899 ईस्वी को, जबकि इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। चलिए नौवां क्वेश्चन, निराला किस वाद के कवि हैं? निराला छायावाद के कवि हैं। अगर वाद पूछता है तो आप बोलिएगा छायावाद, अगर काल पूछ दे तो आधुनिक काल बोलना है आप सभी को, ठीक है। आप सभी को मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पर आप सभी को नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, निराला स्वतंत्र रव, 10 नंबर प्रश्न, निराला स्वतंत्र रव और नव अमृत मंत्र कहाँ भर देने की याचना करते हैं? तो ये भारतीयों के हृदय में स्वतंत्र रव और नव अमृत मंत्र भरने की याचना करते हैं। 11 नंबर प्रश्न, निराला किसको जगमग करना चाहते हैं? निराला पूरे संसार को जगमग करना चाहते हैं। 12 नंबर प्रश्न, निराला संसार को किसकी ज्योति से जगमग करना चाहते हैं? तो निराला ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को जगमग करना चाहते हैं। 13 नंबर प्रश्न, काठ अंध उड़ के बंधन स्तर में उड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उड़ का शाब्दिक अर्थ हृदय होता है, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न के बाद 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो 14 नंबर प्रश्न है, जलदमंद रव का क्या अर्थ है? तो जलदमंद रव का अर्थ है मेघ के गर्जना के समान ध्वनि, ठीक है, गंभीर ध्वनि।
15 नंबर प्रश्न, वीणा वादिनी कौन है? वीणा वादिनी माता सरस्वती है, ये सभी स्टूडेंट तो भली भांति जानते ही होंगे। 16 नंबर प्रश्न, कवि वीणा वादिनी से क्या मांग रहा है? कवि वीणा वादिनी से क्या मांग रहा है? कवि वीणा वादिनी से सभी भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता के भाव का संचार मांग रहा है। निराला किस प्रकार के अंधकार को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? 17 नंबर प्रश्न है। वरदे वीणा वादिनी कविता में निराला अज्ञान के अंधकार को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। 18 नंबर प्रश्न, निराला का पूरा नाम क्या है? निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। 19 नंबर प्रश्न, अनामिका किसकी रचना है? अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 20 नंबर प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है। 21 नंबर प्रश्न, सरोज की स्मृति किसकी कृति है? सरोज की स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है। मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूं।